नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे सरकारी नौकरी के बारे में जो कि निकली है पशुपालन विभाग में। तो आइए जानते हैं इसके बारे में पूरी जानकारी। भारतीय पशुपालन विभाग लिमिटेड में 2106 पदों पर भर्ती निकली है, जिसमें आप 10 दिसंबर तक अपना आवेदन भर सकते हैं। इसमें फॉर्म भरने के लिए आपको 12वीं और ग्रेजुएशन और आयु सीमा इसकी रहेगी अधिकतम 45 साल। लास्ट डेट इसकी है 10 दिसंबर 2022 फॉर्म भरने की। तो आप 10 दिसंबर 2022 से पहले फॉर्म भर सकते हैं और आपकी योग्यता कक्षा 12वीं पास और ग्रेजुएशन होना आवश्यक है। बाकी इसकी पूरी डिटेल हम आपको आगे वीडियो में देंगे। खास तारीखें रहेगी इस नौकरी से जुड़ी हुई, पहली है 24 नवंबर जिस दिन से आप आवेदन भर सकते हैं, और 10 दिसंबर जिस दिन आवेदन भरने की लास्ट तारीख है। इस वैकेंसी में इन पदों को भरा जाएगा। डेवलपमेंट ऑफिसर के लिए 108 पद, असिस्टेंट डेवलपमेंट ऑफिसर के लिए 324 पद, एनिमल अटेंडेंट के लिए 1620 पद, एनिमल हस्बेंड्री एडवांसमेंट सेंटर डायरेक्टर के लिए 33 पद और डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव के लिए 21 पद शामिल है। अब इसमें अलग अलग पदों के लिए अगर शैक्षिक योग्यता की बात करें तो डेवलपमेंट ऑफिसर के लिए बैचलर की डिग्री के साथ आपको मार्केटिंग का अनुभव जरूरी है। वही एनिमल अटेंडेंट पद के लिए उम्मीदवार को मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं का पास होना ही केवल जरूरी है और मार्केटिंग डिप्लोमा होने पर उम्मीदवारों को वरीयता मिलेगी। वहीं बाकी पदों के लिए 12वीं पास होना आवश्यक है। आयु सीमा की अगर इसमें बात की जाए तो डेवलपमेंट ऑफिसर पद के लिए न्यूनतम 25 साल और अधिकतम 45 साल होना चाहिए। वहीं डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव पद के लिए आपके उम्मीदवारों की आयु 21 साल से अधिकतम 30 साल होनी चाहिए। बाकी पदों के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 21 साल से लेकर 40 साल होना जरूरी है। अधिकतम आयु में सीमा में OBC वर्ग के उम्मीदवारों को 3 साल, ST वर्ग के उम्मीदवारों को 5 साल और दिव्यांगों को उम्मीदवार को 10 साल की छूट मिलेगी। सैलरी की अगर इसमें बात की जाए तो इसमें डेवलपमेंट ऑफिसर को 25,000 और असिस्टेंट डेवलपमेंट ऑफिसर को 22,000, एनिमल अटेंडेंट को 20,000 और एलिमेंट हस्बेंडरी एडवाइजर सेक्टर डायरेक्टर को लगभग 15,000 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे और डिजिटल मार्केटर को मार्केटिंग को लगभग 15,000 से अधिक। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात की जाए तो भारतीय पशुपालन विभाग में ऑनलाइन एप्टीट्यूड टेस्ट का आयोजन करेगा। इसमें पास होने वाले उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। फिर अब हम अगर एप्लीकेशन फीस के बारे में बात करें तो अलग अलग पदों के लिए अलग अलग एप्लीकेशन फीस है। जैसे डेवलपमेंट ऑफिसर के लिए आपकी 945 रुपये लगेंगे, असिस्टेंट डेवलपमेंट ऑफिसर के लिए 828 रुपये लगेंगे, एनिमल अटेंडेंट के लिए 708 रुपये और एनिमल हस्बेंड्री एडवेंचर सेंटर डायरेक्टर और डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव के लिए आपको 591 रुपये की आपकी एप्लीकेशन फीस लगेगी। इसमें यह केवल एक शुरुआती जानकारी है, बाकी इसकी पूरी जानकारी के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं इनकी और वहां पर विजिट करके पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, या फिर आप इंटरनेट की दुकान पर जाकर वहां से इसकी पूरी जानकारी प्राप्त करके वहां से इनका फॉर्म भर सकते हैं। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें।